तो एक ब्लॉक है 1 kg का, स्पीड 2 है, एक रफ पैच स्टार्ट हो गया 0.10 से लेके 2.01। तो हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मान लो अगर आपका एक्स एक्सिस है, और चलो मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 है, मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 0.1 है और ये एक्स की वैल्यू 2 पॉइंट कितनी है, 0.1 है। ओके, इस 0.1 और 2.01 के बीच में क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। और फ्रिक्शन की वैल्यू आपको रेजिस्टिंग फोर्स पता है कितनी, माइनस के डिवाइडेड बाय एक्स, और के की वैल्यू साइड पे गिवन है 0.5, चेक कर लो। ये आपको फ्रिक्शन गिवन है, ना आगे ना पीछे। इसको किताब में ऐसे लिखा जाता है कि एक्स लेस देन 0.1 में, लेस देन 0.1 में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 0। एंड एक्स ग्रेटर देन 2.01 में भी फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 0। लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ऐसे लिखा हुआ है। और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 और लेस देन 2.01 में फ्रिक्शनल फोर्स आपको गिवन है माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है, कैसे पढ़नी है स्टेटमेंट? क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है? एक ब्लॉक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ब्लॉक है, और वो यहाँ एंटर करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी इज इक्वल टू कितना, 2 meters per second, और वो बाहर कितनी वेलोसिटी से निकलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो 2 meter per second से एंट्री है और कितनी वेलोसिटी निकलेगा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि अगर वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, और मास की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.1 kg गिवन है, 1 kg गिवन है। अच्छा, 1 kg ले लो, तो ये 1 kg गिवन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि वर्क यहाँ पे, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम में चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू टू का स्क्वायर, इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सही है, गुड डाउट इसमें? नेक्स्ट है, हाफ इंटू मास 1 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हाफ इंटू मास 1 है, इनिशियल निकालनी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। किसी भी क्वेश्चन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अब तो मैंने क्या किया यहां पर, माइनस एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन, क्यों? क्योंकि एफ आर इज अ वेरिएबल फोर्स, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि फोर्स इज अ वेरिएबल। सही है यहां तक? अब इस क्वेश्चन के अंदर जब ये सॉल्व किया जाता है, हाफ इंटू 1 इंटू वी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो मैं यहां पर एफ आर की वैल्यू जब माइनस पुट करता हूं तो लोग कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया और वर्क डन फ्रिक्शन का पॉजिटिव हो गया। गलत, उसने ये कहा कि वर्क डन जो रेजिस्टिंग फोर्स है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो नेगेटिव है, ताकि वर्क डन भी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो आप 2 बार नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, या तो आप यहां नेगेटिव मत पुट करो, एफ आर को नेगेटिव आने दो, अपने आप वर्क डन में फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा, या अगर आपने यहां पुट कर लिया नेगेटिव तो फिर यहां पर 0.5 डिवाइडेड बाय एक्स ही रहने दो, मतलब हर हालत में ये टर्म नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि फाइनल एनर्जी कम आनी है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा आनी है, इनका डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये टर्म आ गई, और मेरे को वर्क डन कहां से कहां निकालना है, 0.1 से लेके 2.01 तक निकालना है, ये इसकी लिमिट आ गई। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके हाफ इंटू
वन इन टू वी का स्क्वायर, ये पूरी टर्म राइट पे ले जाओ, हाफ इन टू वन इन टू टू का स्क्वायर माइनस 0.5 बाहर आ गया, 1 बाय एक्स डी एक्स आ गया 0.1 से लेके 2.01 तक। सही है, कोई डाउट इसमें? इसके अंदर जब इसे सॉल्व किया तो हाफ इंटू वन, हाफ इंटू वन इंटू वी का स्क्वायर इज हाफ इंटू वन इंटू टू का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू वन बाय एक्स। क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ कितना? एक्स। यही था ना इसकी इंटीग्रेशन, लॉग एक्स। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है? इसका बेस क्या चल रहा है? ई, एक्सपोनेंट ई। ऐसे ही किया था हमने कैलकुलस में। तो यहां से हाफ इंटू वन इंटू वी स्क्वायर इज हाफ इंटू वन इंटू टू स्क्वायर माइनस 0.5। एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट। सही, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट स्टेप है हाफ इंटू वन इंटू वी स्क्वायर इज हाफ इंटू वन इंटू टू स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2.01 डिवाइडेड बाय 0.1। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। सही, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसमें जब आगे जब सॉल्व किया तो हाफ इंटू वन इंटू वी स्क्वायर हाफ इंटू वन इंटू टू स्क्वायर माइनस 0.5। इसको ना एक काम करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 पुट कर लेते हैं, क्योंकि 0.1 के साथ अप्रोक्सीमेटली 2 पुट कर लिया, नहीं 2 नहीं 20 पुट कर लिया, 20 पुट कर लिया। और इसका बेस क्या चल रहा है? ई। ठीक है यहाँ तक? केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी और मैथ्स के अंदर भी, केमिस्ट्री वाले भी सिखाते हैं, फिजिक्स वाले भी और मैथ्स वाले भी। वो क्या कि अगर आपको इसका जो बेस है लॉग का वो क्या गिवन है? ई गिवन है। और आपको क्या बनाना है? 10, क्योंकि हम लॉग 10 में काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो ऑटोमेटिकली इसका बेस क्या बन जाएगा? 10। ये इसका मैथ्स का रूल है, बेस ई को बेस 10 बनाने के लिए 2.303 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। ये स्टैंडर्ड है। सही है, नेक्स्ट है। अब इसमें कैलकुलेशन की बारी है, हाफ इंटू वन इंटू वी स्क्वायर इज हाफ इंटू वन इंटू टू स्क्वायर 0.5 इंटू 2.303 इंटू। अब लॉग ऑफ 20 अपने मन में सोचो क्या होगा? 2 इंटू 10। लॉग 20 क्या होता है? 2 इंटू 10। और दो टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। ऐसे करते हैं, मेडिकल में नहीं आएगा, रिलैक्स करें प्लीज, एनसीईआरटी में भी नहीं आएगा, नॉन मेडिकल वालों के लिए है ये कैलकुलेशन, नॉन मेडिकल वालों के लिए है, कॉन्सेप्ट तो चलो सबके लिए है। तो ये ऐसे करते हैं, मैथ्स में लॉग यही है, लॉग 10 टू द बेस 10 हमेशा क्या होता है? 1, ये तो हमने भी किया था फिजिक्स में। और लॉग 2 टू द बेस 10 स्टैंडर्ड 0.3010, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। लॉग 2 की वैल्यू तो याद करनी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये स्टैंडर्ड है 0.3010, पुट करके आंसर आ जाएगा, निकाल लेना वी जो निकाल लें। ठीक, मतलब ऐसे बिना लॉग टेबल के भी मैथ्स की थोड़ी सी हेल्प से हम अपने कैलकुलेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं, जबकि मुझे लॉग टेबल देखना चाहिए था, बिना लॉग टेबल के भी हो गया। कितने मेडिकल के? कोई टेंशन नहीं है, आपको लॉग नहीं चाहिए ज़िंदगी में, चिंता ना करो। ठीक है, वो तो इसलिए करवा दिया कि चलो नॉन मेडिकल को लॉग आता है, तो बता दिया कि इस तरीके से कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए ना, एनसीईआरटी में डाला जाएगा, वो भी टेंशन मत लो, ये मेंस वालों के लिए है, मेंस वालों के साथ कभी हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए। ठीक, तो मैंने इसमें ये किया हुआ है यहाँ पे, तो ये सब सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व आपने करना है, लिखो जरा कॉपी में।
कॉपी में लिखो, सपोज एक प्लैंक है, एक बुलेट एंटर करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी एंड वन एनथ ऑफ वेलोसिटी लूज कर देती है जब ये बाहर निकलेगी, लूज कर देगी, राइट बताओ कितने प्लैंक्स, ऐसे कितने प्लैंक्स मैं एक के बाद एक रखता जाऊं ताकि फाइनली ये बुलेट जो वी वेलोसिटी से एंटर करती है वो रेस्ट पे आ जाए। ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ प्लैंक्स, कितने प्लैंक्स मुझे रखने पड़ेंगे ताकि ये रेस्ट पे आ जाए, ये क्वेश्चन है। पता नहीं तो क्या हुआ है शीट में, वैसे शीट में क्या हुआ, ठीक है ये क्वेश्चन है। नहीं कोई, वो प्लैंक के अंदर फ्रिक्शन है, प्लैंक तो रुकेगा ना, तभी तो वेलोसिटी लूज हो रही है, रुकेगा तो फ्रिक्शन तो अंदर है प्लैंक में। नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हैं तो रूल नंबर वन, इसमें क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे। देखो उसने क्या कहा कि ये वन एनथ लूज कर जाता है, तो बोलो फाइनल वेलोसिटी क्या निकलती, वी माइनस वी बाय एन, बिल्कुल सही, क्योंकि वी बाय एन तो लूज कर जाता है, बची कितनी, वी माइनस वी बाय एन। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो जब ये बुलेट बाहर आएगा तो वी इंटू वन माइनस एन वेलोसिटी से बाहर आएगा। मान लेते हैं कि प्लैंक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ऐसे कई प्लैंक्स लगाने हैं मुझे x x x के, तो मान लो n नंबर ऑफ प्लैंक्स मुझे लगाने हैं, n कैपिटल n निकालना है। तो पहली इक्वेशन यहां पर क्या बनेगी, यहां पर पहली इक्वेशन बनने वाली है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक काम करते हैं, पहले केस नंबर वन बनाते हैं, केस नंबर वन इससे बनेगा, दैट इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी इंटू वन माइनस वन बाय एन का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इक्वेशन नंबर वन। तो लिखो इक्वेशन नंबर वन, ऐसे किया था ना प्लैंक वाले क्वेश्चन, ऐसे तो किए थे, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट है केस नंबर टू, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है, जीरो माइनस इनिशियल क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन में यहां पर क्या आएगा, एन इंटू एक्स, क्योंकि बुलेट ने अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है केस नंबर टू में, एन इंटू एक्स, क्योंकि एक्स 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 करके एन नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितने हैं, एन एक्स। बस अब आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर टू एंड वन को डिवाइड करके कैपिटल एन निकाल लो, दोनों को डिवाइड करके कैपिटल एन की वैल्यू निकाल लो क्या है। फाइनल जीरो होगी ना एनर्जी वेलोसिटी, तो कोई ये ना कहे ना चेंज क्यों नहीं लिया, ऐसे जीरो ले लिया दिखाने के लिए।
तो इसमें डिवाइड करते हैं, तो ये सेकेंड इक्वेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हाफ एम वी स्क्वायर वन माइनस वन बाय एन का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एफ इंटू कितना एक्स। तो ये टर्म को इससे डिवाइड, वो टर्म को इससे डिवाइड, ये टर्म आ गई, ठीक है यहाँ तक। राइट, तो इसके अंदर नेक्स्ट है, इससे ये कैंसल और ये भी कैंसल, हाफ 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 भी गया, एम 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 भी गया, वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर भी गया, न्यूमिनेटर वन बच गया, वन माइनस वन बाय एन का होल स्क्वायर माइनस वन बच गया इज इक्वल टू कैपिटल एन। ये स्टेप क्लियर है, सब कैंसिल होने के बाद चेक करो ये टर्म बच रही है। ठीक है यहाँ तक, एन एक्स क्योंकि डिस्टेंस एन एक्स ट्रेवल करेगा बुलेट सेकंड केस में, एन नंबर ऑफ प्लैंक्स है ना, ठीक। तो यहाँ से अब एक काम करते हैं, माइनस इसको ठीक तरह करके लिखते हैं, एन माइनस वन का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एन, या फिर अगला स्टेप लिखते हैं यहाँ पे, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एन, या रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एन, सही। और यहाँ से माइनस एन स्क्वायर इसे ओपन करते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एन स्क्वायर, या फिर कैपिटल एन इसको पॉजिटिव बना लेते हैं और इसको घुमा देते हैं टू एन माइनस वन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर दिखेगा। ठीक है यहाँ तक, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे निकलेंगे समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ प्लैंक्स वो तो वेलोसिटी लूज कर गया ना, बनाने वाला भी तो बहुत शातिर है ना, जानबूझ के एन देता है, वेलोसिटी लूज कर गया ताकि लोग एन नंबर ऑफ प्लैंक्स ले लें और काट दें, मतलब क्या बोलूँ अब मैं यार, वो ये चेक कर रहा है कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कोई छोटा और बड़ा एन में गलती तो नहीं कर रहा, ये भी चेक हो रहा है ना, सिर्फ क्वेश्चन चेक नहीं हो रहा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो प्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के अंदर बुक्स के अंदर भी दिखेगा और होगा नहीं आपसे, ओके मैं ऐसा बोल के शायद डीमोनलाइज कर रहा हूँ, ट्राई कर लो और अगर कोई मेथड है तो मुझे बताओ, फिर मैं अनाउंस कर दूंगा कि शायद ना हो। पहले नहीं बोलना चाहिए, पहले बोलना ठीक नहीं है, अब करो। क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अगर आपके पास कुछ पुराना है देखो लगा लो, जितना का आपको आता है उससे करके देख लो। अब ये तुम देखो, मैं तो ऐसे सॉल्व ही नहीं करूँगा। हाँ निकल सकता है, हाँ ठीक है, डिस्टेंस निकाल लो। तो मुझे इतना पता है कि नेट वर्क डन इसमें जीरो है, वर्क डन जीरो तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 होता है, एफ एस कॉस 90 तो जीरो होता है। अब करो, ये प्रॉपर्टी यूज होएगी इसमें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 यूज होएगी।
ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं आपको आता, और ये ना हाँ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट है, इसमें ना मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, और ये मैंने आपको करवाया नहीं है अभी। तो ये क्वेश्चन इसलिए डाला भी गया है क्योंकि आपकी सभी बुक्स में गिवन है, फिर लोग ना डाउट्स लेके आते हैं कि ये क्वेश्चन हो नहीं रहा। तो मैं बता देता हूँ कि एक ना बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, ये फैक्टर है। आपको क्वेश्चन में गिवन है वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो, तो भाई जो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर भी होगी और जो फोर्स है उनके बीच में एंगल क्या है 90, तभी तो आंसर वो क्या कह रहे हैं वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो तभी हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर आपस में 90 डिग्री एंगल रखें। अब फोर्स वेक्टर तो पता है, वो कह रहे हैं पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग लाइन दिस इक्वेशन, तो पार्टिकल इस इक्वेशन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अगर मैं इक्वेशन को प्लॉट करूँ, वो मैथ्स के ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हो ना इक्वेशन एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब ये स्ट्रेट लाइन जहाँ भी बनेगी और फोर्स वेक्टर जहाँ भी बनेगा उनके बीच में एंगल क्या होगा 90, यानी कि ये जो लाइन अगर मैं लाइन प्लॉट कर लूँ और फोर्स वेक्टर वहाँ शो करूँ दोनों में पक्का एंगल 90 बनेगा, तभी तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है जीरो। कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन में 3y एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, इस इक्वेशन में 3 को इसको नीचे ले आओ तो y की इक्वेशन आ गई, तो y की इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आपने सुनी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सुना हुआ है? नहीं। मैथ में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने की एक इक्वेशन होती है और उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। m का मतलब स्लोप है, वैसे मेडिकल में आएगा नहीं, नॉलेज के लिए सीख लो, मेडिकल के लिए बिल्कुल नो है, नहीं आ सकता क्योंकि मैथ वालों तो स्ट्रेट लाइंस हैं, आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं है। चलो फिर भी एक मिनट के लिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं x का कोफिशियंट माइनस के बाई थ्री को x के कोफिशियंट m के साथ कंपेयर करूं तो यहां पे m स्लोप क्या आएगी माइनस के बाई थ्री, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप आ गई माइनस के बाई थ्री। स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा की वैल्यू माइनस के बाई थ्री। तो ऐसे मैंने स्लोप निकाल ली। अब जो फोर्स वेक्टर है उसके दो कॉम्पोनेंट है, x के अलॉन्ग 2 है, y के अलॉन्ग 3 है, तो फोर्स वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी 3 डिवाइडेड बाई 2। तो फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा है या tan थीटा है, तो इसकी स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाई tan थीटा जिसकी वैल्यू 3 बाई 2 है। अब तुम्हारे पास फोर्स की स्लोप आ गई 3 बाई 2, फोर्स की डायरेक्शन यानी कि फोर्स की स्लोप उसकी डायरेक्शन बताती है, तो फोर्स की स्लोप tan थीटा की वैल्यू 3 बाई 2। स्ट्रेट लाइन की स्लोप आ गई आपके पास माइनस के बाई थ्री। मैथ का एक रिजल्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको सिखाएंगे टीचर्स, वो ये कि अगर दो लाइंस या दो डायरेक्शंस आपस में 90 डिग्री पे हैं, ये रिजल्ट है, अगर दो स्ट्रेट लाइंस या दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा माइनस वन आता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो दोनों का स्लोप का रिजल्ट माइनस वन है। अब उनमें से एक तो स्ट्रेट लाइन है माइनस के बाई थ्री की स्लोप है, एक फोर्स की स्लोप है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तभी तो उसने बोला कि वर्क डन की वैल्यू जीरो है। तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट इज माइनस वन, सॉल्व करके के की वैल्यू 2 मार्क कर लेना। मेडिकल में नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें प्लीज, बिल्कुल भी ना स्कूल में ना मेडिकल में, ओनली फॉर नॉन मेडिकल की बुक्स में मिलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइंस का काम नॉन मेडिकल वालों का काम है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। फोर्स की स्लोप निकाल ली, स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल ली, मैथ का रिजल्ट ले लिया, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन, तो दो स्लोप आपस में 90 डिग्री पे हैं, पुट किया और के की वैल्यू आ गई। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ तक मैंने आपको बोला था वर्क पर एनर्जी बहुत दूर दूर से चैप्टर्स को खींचते अपनी तरफ, कभी कोई चैप्टर, कभी मैथ, कभी कोई चैप्टर, अभी तो फिजिक्स के और चैप्टर पढ़ने जिसको खींचेगा, अभी दो चार कॉन्सेप्ट और भी हैं जिसको ये अपने साथ इन्वॉल्व करने वाला है, तभी तो ये चैप्टर ज़्यादा ट्रिकी लगता है, क्योंकि अगर ना बताया जाए तो ये हो नहीं पाता, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते। मतलब ठीक है 70-80% होता है, पर बच्चा सोचता है कि शायद मेरे को आ नहीं रहा, अब बेचारे उसको मैथ ही नहीं आता, वो कहाँ से करेगा इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ें, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, प्रूव करके देख लें, शायद हो जाए।
ये ना एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बता देता हूँ आपको। मतलब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम समझते हो, जो कई साल से ऐसी ही दिखती है, चेंज नहीं होती। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखेगी, हर किताब में दिखेगी, मेडिकल नॉन मेडिकल, कई बार तो एनसीईआरटी वाले भी डाल देते हैं, कोई बड़ी बात है, ऑब्जेक्टिव डालते हैं। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका, क्या कैसे याद किया हुआ है मैंने, याद ही किया हुआ रिजल्ट वैसे चाहूँ इसका मैंने, कौन ही करेगा ये। तो इसमें करना क्या है, इसकी प्रॉब्लम बताए क्या है क्वेश्चन की, बस कुछ दे तो रहा नहीं। वो कह रहे गाड़ी चल रही है जिसकी स्पीड वी है, उसकी पावर प्रूव कर दो इसके इक्वल है, या उसकी वेलोसिटी प्रूव, उसकी जो पावर पी है तो ये बता दो स्पीड इसके इक्वल है। मैं कुछ नहीं दे रहा, बस कह रहा है एक गाड़ी चल रही है जिसकी पावर पी है बस, और ये स्पीड बताओ क्या है, कुछ नहीं दे रहा। अब देखो इतना कम देने पे वो क्या पूछ रहा है कि मेरा आंसर बच्चा ऐसा निकाल देगा, तो देगा क्या सिर्फ पी, और सोच रहा है कि स्टूडेंट ये निकालेगा, मुश्किल है। तो आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पावर का, और जो एक्स के साथ या वेलोसिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो एक ही फॉर्मूला काम करेंगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी में वेलोसिटी फोर्स की जगह डीपी बाय डीटी लिख सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहर आ गया, डीवी बाय डीटी। वी डीवी डीटी एक तरफ, पावर और मास एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। प्रॉब्लम ये है, यहां पर जो प्रूफ करना है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में गिवन होगा, प्रूफ करना है एक्स की फॉर्म में, टाइम नहीं चाहिए, और इंटीग्रेशन किस में चल रही है, टाइम में, एक्स नहीं है। तो डी टी को हटाओ और डी एक्स लेके आओ, कैसे, डी एक्स से मल्टीप्लाई, डी एक्स से डिवाइड। तो डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी वी, और ये डी एक्स राइट साइड पे चला गया, पी बाई एम टू डी एक्स, वी इंटू वी क्या बन गया, वी स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनेगा, वी क्यूब बाई थ्री, पी बाई एम इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी क्यूब, और वी का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला रजिस्टर में ओपन कर लो और ये फॉर्मूला ही लिखो, सीधा लिख लो, अगर एक कार कांस्टेंट पावर से जा रही है, कार अगर कांस्टेंट पावर से जा रही है, वेलोसिटी वी की जो वैल्यू है, थ्री पी एक्स अपॉन एम रेज टू पावर 1/3 है। वैसे पेपर में क्या आता है बता देता हूँ, वो आपसे पूछेगा वेलोसिटी एक्स के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, भूलना नहीं है एक्स की पावर 1/3 प्रोपोर्शनल है, ये पूछेगा। ये स्टैंडर्ड है, मतलब अगर आप मेरे से पूछो ना सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मेरे ख्याल से मैं कम से कम 50 बार देख चुका हूँ हर किताब में, मैं सीधा एक्स की पावर 1/3 ही मार्क करूंगा, और ये इतना स्टैंडर्ड है। तो ठीक है, मतलब कई न्यूमेरिकल होते हैं चेंज होके आने वाले हैं, एक होते हैं कि नहीं ऐसे ही आएंगे, तो ये ऐसे ही आ रहा है। तो बस ये सीधा रिजल्ट को आप इसको फॉलो कर सकते हो, राइट, क्लियर है, आ सकता है स्कूल में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है, सब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कई बुक्स में सर्कुलर के अंदर ये क्वेश्चन के बने हैं, और कई बुक्स में वर्क पार में ये क्वेश्चन के बने हैं। आप ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो ट्राई करो। चलो इसे क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कल इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ए एक्स स्क्वायर है, क्या निकालना है, ए कॉन्स्टेंट है, ए एक्सेलरेशन, ए कॉन्स्टेंट है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। नेट फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी। सर्कुलर मोशन आपने की है, इस क्वेश्चन का वर्क पार से कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन सर्कुलर का है। हाफ
V² r तो सेंट्रीपेटल एक्सलेशन है, क्या इसमें टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी, ये बात असली बात तो ये है। सेंट्रीपेटल तो मुझे पता है होगी, क्योंकि V² r तो पता ही है, सर्कल है तो सेंट्रीपेटल तो होनी होनी है। टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्या होगी, कैसे, क्या कॉन्स्टेंट है, कहाँ है? मैंने आपको बोला ये एक्सलेशन है ही नहीं है, तो कोई नंबर है कॉन्स्टेंट, ये एक्सलेशन नहीं है। मैंने बोला आपको, वो जानबूझ के वही चीज देता है जो स्टूडेंट सोचता है ए फॉर एक्सलेशन, ताकि गलती कर दे, और वही गलती हो गई। ए कॉन्स्टेंट है, ये एक्सलेशन नहीं है। अब बोलो क्या इसमें टेंजेंशियल एक्सलेशन होगी? कितने बोलते हैं होगी, होगी क्यों? नहीं, डायरेक्शन का कोई चक्कर, ओके, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगी, और अगर स्पीड सेम रहेगी भी टेंजेंशियल नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो सेंट्रीपेटल बैठा हुआ है ना, टेंजेंशियल तो स्पीड चेंज होगी तब। तो बोलो स्पीड चेंज होगी, होगी नहीं होगी? स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी? कितने लोग बोलते हैं होगी, कितने बोलते हैं नहीं होगी? तो इसका मतलब इसमें सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सलेशन है, बस टेंजेंशियल नहीं है, ये मानते हो? देखो, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ चेंज हो रही है, अगर एक्स चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर तुम कहते हो मेरी स्पीड चेंज नहीं होगी, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तुमने कहा वी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो स्पीड चेंज नहीं होगी, तो तुम्हारे हिसाब से टेंजेंशियल नहीं होगी। और मैं ये कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी एक्स के साथ चेंज हो रही है, अगर काइनेटिक चेंज हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर में मास तो चेंज होगा नहीं, तो फिर स्पीड चेंज होगी, इसमें टेंजेंशियल होगी। चलो, एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, फिर भी ये बात भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आप एक काम करें, फिर टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालने का, तुम्हें अगर चेक करना है ना कि टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी, ये चेक करना है ना, एक बड़ा सही तरीका है। एक बॉडी जब सर्कल में घूमेगी तो ये टेंजेंशियल स्पीड है इसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, अगर ये चेंज हो गई तो क्या जनरेट होगी? टेंजेंशियल एक्सलेशन जनरेट होगी, एटी मानते हो, अगर वी की वैल्यू चेंज हुई, डायरेक्शन नहीं, वी की वैल्यू चेंज हुई तो एटी जनरेट होगा। तो एटी का फॉर्मूला पता है क्या होगा? डीवी बाय डीटी, ये एटी है, तो ये याद रखना। टेंजेंशियल एक्सलेशन लोग पूछते हैं कैसे निकलेगी, डीवी बाय डीटी, और सेंट्रीपिटल कैसे निकलेगी, वी स्क्वायर बाय आर, वो तो स्टैंडर्ड है, वी स्क्वायर बाय आर, वो तो कैलकुलस से निकलती नहीं है। तो इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालने का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही फॉर्मूला है, डीवी बाय डीटी। तुम एक काम कर लो, तुम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, कितना गिवन है ए एक्स स्क्वायर, यहां से वी स्क्वायर निकाल लो, तुम इसे डिफ्रेंशिएट करके देख लो, अगर तो डीवी बाय डीटी जीरो आता हुआ, फिर तो बोल देना टेंजेंशियल जीरो है, और अगर ना आता हुआ तो बोल देना टेंजेंशियल एग्जिस्ट करती है, ऐसे चेक करना है। अगर तुम्हें ओरली नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, तुम वी तो निकाल ही सकते हो, तुम दोनों तरफ डी बाई डी टी लगा दो, जब तुम दोनों तरफ डी बाई डी टी लगाओगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, टू वी पावर पे हाथ रखोगे तो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, यही है कैलकुलस, पावर रूल याद है ना, और हाथ रख के डी वी बाई डी टी बच गया। यहां से 2am कांस्टेंट है, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, 2x dx by dt, dx by dx 1 नहीं हुआ, dx by dt। अब मेरे को पता है dx by dt क्या होती है, वेलोसिटी v, और dv by dt क्या होती है, एक्सलेशन, टेंजेंशियल at, v से v कट गया, आंसर आ गया, इसका मतलब आंसर जीरो नहीं आया, अगर जीरो आता तो मैं बोल देता टेंजेंशियल जीरो है, और अगर आ गया टेंजेंशियल जीरो नहीं है, तो आपके सामने है टेंजेंशियल x पे डिपेंडेंट है, सही है यहां तक? टेंजेंशियल एक्सलेशन क्लियर है, कैसे चेक करनी है, नहीं समझ आएगा मैथमेटिकली चेक कर लो, नहीं तो ओरली समझ तो आ ही गया, एक्स के साथ चेंज हो रही है काइनेटिक, तो वी तो चेंज होगा ही। अब सेंट्रीपिटल या रेडियल एक ही बात है, सेंट्रीपिटल का दूसरा नाम है रेडियल, क्योंकि सेंट्रीपिटल कहाँ एक्ट करती है, टुवर्ड्स रेडियस, तो रेडियल भी कहाँ एक्ट करता है, टुवर्ड्स रेडियस, एक ही बात है। तो रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सलेशन वी स्क्वायर बाय आर है, वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ गई, ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बाई इसको आर से डिवाइड करके क्या आ गया, सेंट्रीपेटल आ गई, टेंजेंशियल आ गई, सेंट्रीपेटल आ गई, नेट एक्सलेशन क्या होगी, अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपेटल का स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर किया था हमने, सेंट्रीपेटल हमारे पास है, टेंजेंशियल हमने निकाल ली,
कॉमन निकाल लो अंडर रूट और स्क्वेयर करके, तो ये आपके पास नेट एक्सेलेरेशन आ गई। आपको नेट फोर्स निकालनी है तो मास को नेट एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स का आंसर ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेना, ठीक। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कैसे करूँगा, तो मेरे को भी एक दिन ऐसे लगता था कैसे करूँगा, आपको लगता है कि यार इसके कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं, मेरे को भी लगते थे, आप नॉर्मल हैं, आप अजीब नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं। और अगर आपको सर्कुलर और वर्क पार का कॉम्बिनेशन में ट्रबल आती है तो सच में नॉर्मल ही हैं आप। आप ये ना सोचें कि हर कोई स्टूडेंट आता है ये तो इंटेलिजेंट है ये तो कर ही लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो स्ट्रगल करेगा इन चैप्टर में और 100% करेगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से करेगा, एक एक क्वेश्चन ट्राई करेगा, 100-200 क्वेश्चन ट्राई करेगा, तब जाके उसका मास्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा जितना मर्जी काम कर लो इसमें। तो मतलब प्लस वन का सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो ये हाईएस्ट लेवल चल रहा है अभी। रोटेशनल मोशन बोलते हैं बहुत मुश्किल है, मैं ये मानता हूँ वर्क एनर्जी मुश्किल है, रोटेशनल मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपको दिखा भी दूंगा। ये ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि ये ना स्टार्टिंग नहीं पकड़ पाता स्टूडेंट, इसका स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो ना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है फिर तो आप कर लोगे, उन्हें तो पता ही नहीं यार। वो कह रहे हैं कार की पावर ले लो और वेलोसिटी निकाल दो, ऐसे कैसे वेलोसिटी निकाल दो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। तो जब तक कर ना रखा हो ना तब तक करना मुश्किल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन का टाइप आपको पहले करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। दो दो बार क्वेश्चन करोगे तब जाके ठीक बैठेगा, तब जाके आपका हाथ चलेगा। एक बारी में भी अगर दुनिया सुन के भी अगर आप सोचते हो कि सुन लिया हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। फिर तो यार YouTube पे लाखों वीडियोज हैं, सुन सुन के लोग टॉपर नहीं बन जाएंगे, ऐसे कैसे टॉपर बनेगा कोई।